गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो शुरुआत करते हैं नए दिन के साथ। तो लंच डाउन में आज हमारा दूसरा दिन है। हम लोग आए हैं लंच डाउन कोर्ट में अपनी मैरिज रजिस्टर करवाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये है लंच डाउन कोर्ट। फाइनली हम लोगों का काम हो गया है। और फिर से शादी करके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया यार, आज ऑफिशियली हमारी शादी हो चुकी है। वैसे तो हो गई थी, और 3 साल बाद इससे हमारी शादी हो गई है। अभी हम लोग आए हैं क्या, और ये देखिए लेंस से ऑन का मौसम, बारिश आने लगी है बहुत। हेलो, हाँ सर। पता नहीं ये बारिश रुकेगी या नहीं रुकेगी। अभी आए हैं हम लेंस से ऑन के सबसे पुराने चर्च सेंट मैरी चर्च में, और ये है सेंट मैरी चर्च। दिखाती हूँ आपको। चर्च में जाने के बाद अब अपन लोग चलते हैं कैफे इधर नीचे, और बारिश आने लग गई है यार। ट्रिप वैसे ख़राब तो नहीं हुआ, जाना चाहिए था। हम लोग वहाँ चली गए हैं, और यहाँ पर ये जो थार है हमेशा आपको यहाँ पर ही खड़ी दिखेगी। हाँ, हम लोग चल रहे हैं बुल्ला तावल की तरफ, और ये देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है। वाह यार, सच में आनिया हमारे राइडर। ये है वो ताल। क्यों फटियो, क्यों फटियो रे। यहाँ पे खेले कुछ, यहाँ गार्डन में। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं भुल्ला ताल में, और लेक में ना काफ़ी कम पानी है, तो लोग भी इस टाइम ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से ना लेक का पानी उन लोगों ने हटा दिया है। अब थोड़ा सा ही पानी है वहाँ पर, तो मुझे लगता है बोटिंग नहीं हो पाएगी। ऐसे बोलते हैं इस जगह को भुल्ला ताल। तो लेक में जो है पानी नहीं है, और ये लेक में से पानी हटा रखा है, काफ़ी कम पानी है। आए थे फ्रेंड्स, और बोटिंग नहीं हो रही है, तो हम लोगों को अब वापस जाना पड़ रहा है। और ये देखिए कितने सारे लोग आ रखे थे, सब लोग वापस जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच चुके हैं म्यूजियम में, जहाँ के हम लोग पहले भी आए थे। तो अभी है आधा घंटा बंद होने में, तो तब तक हम लोग म्यूजियम घूम लेते हैं। और अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। सो ये तो ठीक है।
अच्छा तो फ्रेंड्स हमारा काम अच्छे से हो गया था और हम लोग आज घर के लिए निकल गए। अभी पहुंच चुके हैं हम लोग चौरे खाल में और काफ़ी थकान हो गई थी तो यहाँ पर कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं फिर बढ़ेंगे हम आगे घर की तरफ। और हम लोग गए थे लैंसडाउन अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्योंकि 3 साल हो गए हमारी शादी को और हमने अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाया था क्योंकि हमें लग रहा था कि अभी ज़रूरत नहीं है तो बाद में ही बनाएंगे। और फिर बीच में हम लोग काफ़ी बिज़ी भी हो गए थे लेकिन 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 अब हमें ज़रूरत पड़ रही है उसकी क्योंकि बहुत सारे काम हैं जहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट की हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो फाइनली हमारा काम हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट बन गया और बस अब बढ़ते हैं अपने घर की तरफ। फ्रेंड्स आजकल पहाड़ों में है रुपाई का सीज़न और ये देखिए यहाँ लोग खेतों में पौध लगा रहे हैं धान की, जिसको कि हम अपनी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं रोपनी। तो यहाँ पर रोपनी लग रही है और साथ में यहाँ पर सरोवर में बच्चे नहा रहे हैं, गर्मियों का फुल आनंद उठा रहे हैं। ये देखिए मज़े कर रहे हैं बच्चे, पानी में खूब खेल रहे हैं। और यहाँ पर आंटी लोग बकरियाँ चरा रहे हैं। बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर मौसम हो रखा है, देखिए हमारे पहाड़ की रौनक इस तरीके से लगाई जाती है पौध। अच्छा पानी वाली जगह पे सब जगह पौध लगाई जा रही है और सबसे ज़्यादा मज़ा तो इनको देख के आ रही है। देखिए बच्चे हाँ गर्मी से राहत पा रहे हैं सरोवर में नहा के। बाकी यहाँ साइड बाई साइड इधर नीचे नदी जा रही है और यह है पूर्वी रामगंगा नदी